morning children, we'll start with lesson number 15 of standard 3rd. ठीक है, 15th lesson क्यों? क्योंकि थोड़ा simple lesson है, अच्छा लगेगा आपको कुछ तो अलग चीज सीखने के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट 15th lesson start किया. कौन सा है 15th lesson? Our earth in space. Space में अपना earth. Earth कैसा है, वो क्या क्या, मतलब earth के साथ क्या क्या चीजें होती है जो अपने को पता नहीं, उसका शेप कैसा है, उसका रोटेशन कैसा है, रोटेशन मतलब वो कैसे घूमती है, वो सब अपने को पता नहीं, इसी को रिलेटेड अपने को आज सीखना है. तो पहले देखेंगे हम लोग अर्थ. अर्थ को आपने पिक्चर्स में देखा होगा, फिल्म्स में वगैरह दिखाते हैं ऐसा कि अर्थ का कलर कौन सा है, ब्लू और ग्रीन कलर है, ज्यादातर ब्लू दिखती है और बीच बीच में ग्रीन कलर दिखती है. जहां पे लैंड है वहां पे ग्रीन दिखती है, जहां पे लैंड नहीं है वहां पे ब्लू है. क्योंकि क्यों? क्योंकि अर्थ का 70% जो है वो किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है. अंडरस्टूड? इसलिए अर्थ कैसे दिखती है, ब्लू इन कलर, पानी का कलर ब्लू कलर दिखता है. जब भी हम लोग स्पेस से, दूसरे प्लैनेट से या बाहर से हम लोग अर्थ को देखते हैं, तभी अर्थ का कलर कैसे दिखता है, ब्लू इन कलर. क्यों ब्लू कलर दिखता है, ये सब चीजें याद रखो. क्यों ब्लू कलर दिखता है, बिकॉज इट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड विद वॉटर. अंडरस्टूड? अभी समझो एक बॉल है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो क्या है, व्हाट इज इट, इस पे अर्थ के ऊपर पानी है लेकिन आसपास क्या है, बहुत सारे गैसेस है, इसलिए हम लोग सांस ले सकते हैं. हवा, हवा है ना अपने ऊपर, हम लोग अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर क्या है, हवा है, एयर है, जिसमें ऑक्सीजन है, वेरियस नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस है, जिसके वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं. अंडरस्टूड? हम लोग क्या से क्या इनहेल करते हैं, हम लोग सांस किससे लेते हैं, हम लोग अंदर हवा लेते हैं, तो उसमें से हम लोग अपने खुद के लिए ऑक्सीजन रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं. अंडरस्टूड? ये तो आपको सबको पता है, हम लोग ने सीखा ही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में. तो इसलिए अर्थ कैसा है, ब्लू प्लैनेट है. और आपने ऑरेंज देखा है कभी, ऑरेंज का शेप कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसा रहता है ऑरेंज का शेप, ऐसे रहता है, ठीक है, ऑरेंज का शेप ऐसे रहता है. अर्थ का शेप सेम ऐसे ही रहता है. अंडरस्टूड? अर्थ का शेप सेम ऐसे ही रहता है. दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ. मतलब क्या, ये दोनों साइड जो है ये ऐसा फुगा हुआ है, साइड से बंच जो है, और यहां से दो ऊपर नीचे से ऐसा फ्लैट है. अंडरस्टूड? ये है अर्थ का शेप. कैसा है अर्थ का शेप, ये दोनों साइड से फ्लैट है और ये साइड से बल्ज्ड है. बल्ज मतलब ऐसे दोनों साइड से ऐसे राउंड गोल है. ऑरेंज देखा है ना, सेम ऑरेंज का शेप, ऑरेंज का शेप, एप्पल का शेप जैसा होता है वैसा ही अर्थ का शेप रहता है. लेकिन ऑरेंज इज द परफेक्ट शेप. एप्पल थोड़ा सा ऐसा लंबा रहता है ना, लंबा नहीं राउंड शेप, लेकिन दोनों साइड से ऐसा फुगा हुआ और ऊपर से ऐसा फ्लैट. दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ. अगर हम लोग किसी शेप में, शिप में वगैरह से जा रहे तो अपने को ये पता चलेगा. अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ पे तो ऐसा ये टर्न हम लोग देखेंगे कि शिप यहाँ पे है, फिर यहाँ पे दिखेगी शिप, यहाँ से गायब दिखेगी, फिर यहाँ से गायब दिखेगी. अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि शिप नीचे उतरती रही. अंडरस्टूड? इसलिए वहीं से पता चलता है. पुराने जमाने में लोगों को ऐसे ही पता चलता था कि वो लोग कौन से कोने पे हैं. नाउ विल गो विथ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स मतलब क्या, अर्थ का घूमना. अर्थ किस तरह, किस डिरेक्शन में घूमती है, कैसे घूमती है, वो अभी देखेंगे. अर्थ दो टाइप में घूमती है, अर्थ दो टाइप्स में घूमती है. कैसे, अभी ये समझो अर्थ है, ये अर्थ है, राउंड नहीं है लेकिन रेक्टेंगुलर है, लेकिन सोच लो ये अर्थ है. बैटरी में ये लेते हैं, ये अर्थ है समझो. अभी यहाँ पे जे लिखा हुआ है, ये अर्थ का एक पार्ट है, अर्थ है, अर्थ का एक एक साइड है ये अर्थ का. ये तुम्हारे साइड पे सन है. अंडरस्टूड? तो अर्थ अगर ऐसे ऐसे घूमेगी, खुद खुद गोल घूम रही है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है, करेक्ट, और कैसे वही जगह पे रह के ऐसे गोल गोल घूम रही है. अंडरस्टूड? ऐसे पहले जे इधर था, अभी जे इधर आ गया,
दूसरा साइड यहां पे आता है, तो ये क्या हो गया अर्थ राउंड घूम रही, इसको बोलते हैं रोटेशन। और अर्थ सीधी ऐसी नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड है, स्लैंटिंग लाइन में, मतलब कैसे अर्थ ये पोजीशन में है, ये जो है ये पोजीशन में है अर्थ ऐसा, ठीक है। तुम लोगों को मैंने ऑरेंज बताया ना, इसलिए ऑरेंज का शेप भी निकाल रही है। तो अर्थ कैसे है, ऐसा है, और अर्थ ये अगर ऐसा बीच में राउंड है तो ऐसे ऐसे घूमती है। ये जो बीच का लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्सिस, और ये एक्सिस के इसमें घूमती है तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं रोटेशन, इट इज कॉल्ड रोटेशन। ये खुद के मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन, अंडरस्टूड। ये एक्सिस है, एक्स ऐसा ऐसा राउंड है, ये एक्सिस है, इस ऐसा घूम रही है, इट इज रोटेशन। यही रोटेशन के वजह से डे एंड नाइट आता है। सन है, आपको पता है हम लोग को सन दिखता है सबको, तो सन है, समझो यहां पे सन है, ठीक है, यहां पे सन है। अभी अर्थ का पार्ट ये नॉर्थ है, समझो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ नहीं, ये साइड है, समझो इसको हम लोग देंगे ए, इसको साइड देंगे हम लोग बी, अंडरस्टूड। ये सन है, अभी अर्थ घूमी नहीं है ऐसे एक्सिस की तरफ, तो ये सन है, सन एक्सिस। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट कल नेक्स्ट पीरियड में आपको ये दिखा दूँ, अभी के लिए समझ के लो, ये सन है, ये एक्सिस। अगर ये साइड, अभी सन कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा डे होगा, यहाँ पे क्या होगा डे होगा, और यहाँ पे क्या होगा नाइट होगा। जब भी अर्थ घूमेगी ऐसे राउंड एक्सिस की तरफ तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा डे होगा, यहाँ पे नाइट होगा। सन अपनी जगह पे वैसे के वैसे है, घूम कौन रहा है, अर्थ घूम रही है। अभी यहां से सन आ रहा है, तो यहाँ पे जहां जो साइड सन है वो साइड कौन सा रहता है डे रहता है अपना, फिर घूम गया। अभी ये साइड कौन सा है सन है, तो यहाँ पे डे आया, और मेरे मुंह की तरफ क्या आया नाइट आया। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, डे एंड नाइट, ऐसे डे एंड नाइट कंटिन्यूस चलते रहता है। सन अपने जगह पे है, अर्थ भी अपने जगह पे, सिर्फ अर्थ घूमती है ऐसे ऐसे, इसीलिए डे एंड नाइट होता है। अभी एक ईयर कभी कंप्लीट होता है, जब अर्थ ऐसे घूमते घूमते सन के यहां पे घूमती है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। मतलब अभी मैं बताती हूँ, ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ तो ऐसे ऐसे राउंड घूम ही रही है, लेकिन घूमते घूमते और सन के राउंड भी घूम रही, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। खुद की तरफ घूम रही है, डे एंड नाइट हो रहा है, दैट इज रोटेशन। सन की तरफ घूम, सन के इसमें घूम रही है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, उसको क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और वो एक ऑर्बिट में घूमती है, मतलब एक ही सर्कल में घूमती है, एक ही राउंड में घूमती है, ऐसा नहीं कि आज इधर है तो कल उधर है, कल इधर है, ऐसा नहीं, ये एक ही लाइन में घूमती है, अपनी जगह नहीं छोड़ती, यही पाथ में अर्थ घूमती रहती है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट। और ये लाइन जो अर्थ का है इसको बोलते हैं एक्सिस, अंडरस्टूड। ये दोनों में फर्क याद रखो, सन की तरफ घूम, सन के इर्द गिर्द घूमती है तभी उसको बोलते हैं ऑर्बिट, सन खुद की इर्द गिर्द घूमती है तभी उसको बोलते हैं एक्सिस, वो लाइन को बोलते हैं। दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस, ये मतलब ये लाइन बनाया हुआ नहीं है, ये ऐसा सोचा है कि ऐसा लाइन हो सकता है, ये लाइन की इसमें ये घूम रहा है, अंडरस्टूड। तो ये सर्कुलर पाथ जो है, ये सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस। एवरीबॉडी क्लियर। और जब ही डे एंड नाइट बनता है तभी उसको बोलते हैं रोटेशन, और तो ऐसा घूमती है खुद की इस पे तभी उसको बोलते हैं रोटेशन। और जब ही अर्थ पूरा सन की सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में घूमती है तभी उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। वो रिवॉल्यूशन मतलब क्या, यहाँ पे है अर्थ, यहां से स्टार्ट हुआ, वापस यहां से घूम के वापस यहां
जाता है तभी वन ईयर एक साल कंप्लीट हो जाता है, मतलब सन की ये दिन घूमने के लिए अर्थ को कितना टाइम चाहिए, एक साल चाहिए, और खुद का एक्सिस में घूमने के लिए कितना चाहिए, एक दिन चाहिए, 24 आवर्स चाहिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? दिस इज योर लेसन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ थिंग्स, ओके, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, आवर अर्थ इन स्पेस, ऐसा सब चीजें अर्थ में चलता है। हम लोग ने क्या क्या देखा, व्हाई अर्थ इज ब्लू प्लैनेट, बिकॉज इट इज कवर्ड मोस्टली विद वाटर, सब पूरा पानी से भरा हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। शेप ऑफ द अर्थ, हाउ इट इज द शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ऑरेंज, मींस व्हाट, इट इज बल्ज्ड एट बोथ साइड्स एंड ऊपर नीचे कैसा है, फ्लैट है। ये चीजें जो बोल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही याद रखो। मोमेंट्स ऑफ द अर्थ, मोमेंट्स ऑफ द अर्थ क्या क्या है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन में जब अर्थ घूमती है तभी वो एक्सिस में घूमती है, और जब रिवॉल्यूशन में घूमती है अर्थ तभी वो ऑर्बिट में घूमती है। एक्सिस मतलब क्या, एक इमेजिनरी लाइन, समझो ये अर्थ है, इसमें जो लाइन है इसके ऐसे ऐसे घूमती है, दैट इज एक्सिस। जब सन है, अर्थ है, अर्थ की इर्द गिर्द घूमती है, सर्थ के यहाँ पे सर्कुलर पाथ में जो घूमती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। यही चीजें, इतना ही चीजें याद रखो, बस हो गया। और ये रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लगता है, 365 डेज लगते हैं, अंडरस्टूड, और कितने, 4 आवर्स, एक्चुअली कितने आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं, 365 डेज एंड 4 आवर्स, इसीलिए 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? रिवॉल्यूशन, रोटेशन, अंडरस्टूड, क्लियर? कुछ भी डाउट है मैं आपको वैसे भी ये दिखाएगी आपको प्रैक्टिकल करके, बॉल लेके और लाइट लेके, आज भूल गई मिलाने को, नेक्स्ट टाइम दिखाएगी। और अर्थ का जो अपना मॉडल आता है, मतलब दुकान से हम लोग लाते हैं अर्थ का मॉडल, दैट इज कॉल्ड ग्लोब, दैट इज कॉल्ड ग्लोब, ऐसे मिलता है। देखो देखो अर्थ यहाँ पे क्रॉस रहती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोब। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? डे एंड नाइट का पिक्चर भी दिखाया है। देखो मैंने वो शिप का आपको बताया था कि शिप अपने को आधी दिखती है आधी नहीं दिखती है, उसका पिक्चर्स भी है, और ब्लू कलर का है। ये सब चीजें आपको बुक में, टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, या आप पिक्चर्स देखना, फिर थोड़ा थोड़ा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आएगा। उसके साथ साथ लेसन को भी आपको रीड करना है, क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।